नमस्कार, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हम आहिन पूजा। एक थे बड़ी कार्रवाई में ही लोकायुक्त गोपाल सिंह धाकड़ के मार्गदर्शन में चोराटा थाना के आरक्षक का ही 20,000 रुपया के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। देखिए कार्रवाई और ओकर बारे में लोकायुक्त एसपी का कुछ बताई नहीं। मुंह पर करो। इसमें एक शिकायत करता है तुलसी दास जी, उनने जो है लोकायुक्त कार्यालय में रीवा में शिकायत दी थी कि उनके जो है पूर्व में जो है उसके सट्टा वगैरह चलाते होंगे, तो उसमें इन दोनों की कुछ आपस में बातचीत हुई थी कि हम 20,000 रुपये महीने देंगे और 15,000 रुपये देंगे या 10,000 देंगे, जो भी इनकी आपस की बातचीत थी उस आधार पर जो है उसको बहुत तंग किया जा रहा था थाने के आरक्षक द्वारा, जो अनिरुद्ध तिवारी हैं आरोप, उसमें उनके द्वारा उससे 20,000 रुपये थाना क्षेत्र में सट्टा चलाने के लिए डिमांड की गई थी। उस रीवा में पंचायत चुनाव खातिर 3 चरण में ही चुनाव पूरा करावा जाई, जोने खातिर 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी के तारीख घोषित की गई रही। ये चुनाव में ही भागीदारी करे वाले कर्मचारियों का प्रशिक्षण दे के काम चालू हुई गा हवा। रीवा जिले में 3 चरण में चुनाव होना है, 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी में चुनाव के संचालन के कर्मचारियों को जो मतदान के कार्य में भाग लेंगे उनको प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर बनाया जाता है। तो आज ये हमारा इस चरण के मास्टर ट्रेनरों का ट्रेनिंग था, 93 मास्टर ट्रेनर को बुलाए गए थे। रीवा के जिला शासकीय विधि विद्यालय में पढ़े वाले लड़का बिठियन के 8 दिसंबर का वेलकम पार्टी के आयोजन करी, जो ने माँ तरह तरह के कार्यक्रम रखा गया रहा। अपनो देखी कार्यक्रम के कुछ झलके। करना क्या है सब पता है, सब तैयार है, जोश नियम आपको पता ही है। ठीक। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार 8 दिसंबर का शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा में संभाग स्तर के पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आयोजन कीनगा। अवसर में मुख्य अतिथि के तौर में संचालक उच्च शिक्षा विभाग रीवा संभाग रीवा डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि श्री विवेक दुबे, प्राचार्य अर्पिता अवस्थी, डॉक्टर महेश शुक्ला और अच्युत पांडे रहे। अपना का बताए दे कि संभाग स्तर के प्रतियोगिता में ही रीवा संभाग के 4 जिला सतना, सीधी, शहडोल और मेजबान टीम रीवा जिला प्रतिभाग करी है। ये संभाग स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की गई है, कितनी टीमें भाग ली हैं और कहां कहां से आई हैं? ये 4 टीमें भाग लेती हैं, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी। और कितनी टीमों को भाग लिया? राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश शासन है। वनटोला के नियरे करीब 22 लाख रुपया के लागत से सड़क निर्माण कार्यन के भूमि पूजन कीनगा, जोने वहां पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला, सेमरिया के विधायक केपी त्रिपाठी और आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपना का बताए दे कि अजगरहा से करहिया मंडी का जोड़े वाली सड़क का भूमि पूजन कीनगा रहा, जोने वहां वार्ड के लोग भी मौजूद रहे। वह स्थानीय लोग पुलिस चौकी बनावे के मांग करें और विधायक के सामने पुलिस चौकी खातिर बात रखे हैं। तो सड़क में जाम नहीं लगता तो सब लोग चैन से अपना रोजगार भी कर लेते हैं, अपना काम भी सबका हो जाता है। तो हमारा ये कहना है कि यदि कोई समस्या है तो उसका सलूशन मिल जाना चाहिए। यदि सिरमौर चौराहे में जाम लगता है, ट्रैफिक ज्यादा है तो फ्लाई ओवर बना दो, समान तिराहे में
ग्राम पंचायत मौरिया से इस लापरवाही के मामला सामने आ रहा है। ग्राम पंचायत माही निर्माण एजेंसी प्राथमिक पाठशाला पाटी टोला में बाउंड्री वाल तब बनाई, लेकिन शौचालय के सेफ्टी टैंक का बाउंड्री वाल बनावत समय गड्ढा का खुला छोड़ दी, जो उनके पिछले 6 महीना से ऐसा नहीं खुला है। अपना का बताया दी कि कोरोना के बाद विद्यालय संचालित हो लागे हैं, ऐसे में छोटे छोटे लड़कियों के साथ कबो बड़ा हादसा हो सकत है। अतनी बड़ी लापरवाही न तो विद्यालय के प्रबंधन ध्यान दी और न ही बाउंड्री वाल निर्माण बनावे वाली एजेंसी। देखिए पूरे मामला में सामाजिक कार्यकर्ता का कुछ कहें। हाँ सर, और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ये सेफ्टी टैंक है, लेटरिन का सेफ्टी टैंक है, और ये सेफ्टी टैंक देखिए ऐसे खुला पड़ा हुआ है। ये बाउंड्री वाल जब निर्माण किया गया तब इस सेफ्टी टैंक को खोल दिया गया। अब यहाँ पे इस कक्षा स्कूल में 5 साल से 10 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, ये बहुत बड़ी घोर लापरवाही है। देखिए रीवा के तमाम खबर अब बघेली में। नमस्कार।